के पानी अब पानी नहीं हो रहा है ठीक से। हाँ पानी ठीक से नहीं हो रहा है, वो पानी और ज्यादा होने का जब तालाब का पानी छोड़ेगा, तालाब में भी पानी नहीं होगा। ओ तो सूख गया है मैं देख रहा हूँ। हाँ। इस टाइम बारिश भी। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मानिक सीजी 105 पर। तो आज मैं आ गया हूँ आपको कुछ यूनिक चीजें दिखाने को। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा पत्थर है, तो पूरा काला वाला। वो यहाँ पे जो है ये बांस का करोल है, ये हम लोग बहुत खाते हैं, बहुत ही मजा आता है खाने को। और यहाँ पे बहुत ही हरियाली है, यहाँ का हवाई कुछ अलग है। तो यहाँ का हवाई कुछ अलग है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ हमारा कुछ जगह। तो मैं जो यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे एक ठो पत्थर है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना अच्छा पत्थर है। ये देख सकते हो कि कितना सुंदर यहाँ पे रास्ता है। यहाँ का जो मतलब हरियाली है, देखकर मन पूरा भर जाता है। ये आप देख सकते हो कितना मस्त है ये जगह। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको मेरा दादाजी का जमीन, जो यहाँ पे किसान लोग खेती लगाते हैं। पानी का बहुत ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो लोग पानी वानी नहीं दे सकते हैं, फसल खराब होता है। तो ऐसे ही फसलों का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो बंगाली लोग हैं पखांजू क्षेत्र के आसपास, वो सभी लोग डैम खोदते हैं, मछली पालन करते हैं, खुद खाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, एक तो डैम है, इसमें पगहास है, रुआ है, रानी है, जो रानी पापलेट बोलते हैं वो है। और यही वो ज़मीन है, आप देख सकते हो, जो किसान भाइयों लोग पानी वानी दे नहीं पाते हैं, फसल मर जाता है। लेकिन ये क्या है, कुछ टाइम बारिश हुआ था, उसमें देखिए कुछ टाइम बारिश हुआ था, उसी समय ये खेत थोड़ा सा रुपाई के लिए बना था। और ये जो डैम देख रहे हो, इसमें कतला है, रुआ है, रानी पापलेट है, देखो मछली, बड़ी पाप, इतना बड़ा मछली है। तो आप लोग जो बाज़ार में खाते हो, जो उसको क्या बोलते हैं, मछली बोलते हैं, वो खाते हो, तो ये वही ज़मीन है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। इसमें कल ही पानी दिया है, आप देख सकते हो खेत में पानी है। तो पानी देने के बाद इसका हरियाली कुछ अलग हो जाता है, यहाँ का हवाई कुछ अलग हो जाता है। और जो आप पौधा देख रहे हैं, ये मुंद का पौधा है, मुंद का पेड़। तो इसमें अभी फला नहीं है, फलने वाला है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, चलिए अभी आपको मैं एक यूनिक चीज़ दिखाऊंगा, जो झरना है, बट झरना नहीं है, बाकी झरने के जैसे ही है, झरना नहीं है, झरने के जैसे ही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं और उधर से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप आके यहाँ पे थोड़ा छाँव में बैठ सकते हो, खजूर का पौधा है, पेड़ है, पौधा नहीं, सॉरी। तो यहाँ पे आप बैठ सकते हो, ये बेर का पेड़ है, तो आप यहाँ पे भी बैठ सकते हो, बेर शबरी का पौधा है ये, ठीक है। छोटा सा वाटरफॉल से दोस्तों, अभी जो है मैं आपको झरना दिखाऊंगा। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से ही किसान लोग पानी लेके खेत में डालते हैं। तो पानी अभी सूख गया है, किसान लोग बहुत ही मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो अगर ये झरना सरकार से थोड़ा साफ किया जाएगा, थोड़ा पानी डाला जाएगा, तो किसान लोग थोड़ा सा बच सकते हैं, थोड़ा खेती वेती कर सकते हैं। और यहाँ पे जब मक्का लगाते हैं, तब यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं रहता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे पानी का ज़रूरत पूरा किया जाए। तो अभी मैं आपको एक किसान दिखाने वाला हूँ, जो मेरा दादाजी हैं, वो कुछ दो शब्द बोलेंगे। वो देख सकते हो मेरा दादाजी वहाँ पे घास साफ कर रहे हैं। हाँ, तो आपका खेती कैसा हो रहा है ये झरने के पानी? पानी नहीं हो रहा है ठीक से। हाँ पानी ठीक से नहीं हो रहा है,
वो पानी और ज्यादा होने का जब तालाब का पानी छोड़ेगा, तालाब में भी पानी नहीं होगा, खिड़कट्टा तो सूख गया है। मैं देख रहा हूँ इस टाइम बारिश भी नहीं हो रहा है ना, खिड़कट्टा भर भी नहीं आ रहा तो एकदम निकल गया। और एक यूनिक बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो आप पानी देख रहे हो ये सीधा खिड़कट्टा से आता है, तो यही हमारे दादाजी लोग 1997 या 95 में वो खिड़कट्टा डैम में काम करते थे, वही नाला यहाँ तक खोद के लाए हैं। तो ये लोग पहले बहुत काम करते थे, अभी अभी के जमाने के जो लड़के लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं वो लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, तो ये इन लोग बहुत ही काम करते थे, तो मैं इनको शुक्रिया बोलता हूँ मेरे तरफ से। तो चलते हैं दादाजी। हाँ, बहुत खेत बनाया हम। हाँ खेत, वो तो खेत बनाया। देख रहे हो आप लोग बहुत ही मेहनत करते हो, और ये जो आप जमीन देख रहे हो ये मेरे इसी दादाजी ने खरीदा है। कितने में खरीदे हो? 1,65,000 में। 1,65,000 में खरीदा है। तो ये जमीन इसलिए खरीदा कि ये जमीन नीचा है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी रहता है, और जो ऊपर का जमीन देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं रहता है। यह अभी दिया है, कल सुबह फिर सूख जाएगा। तो कितना मुश्किल से गुजार रहे हैं इन लोग, मेरे को तो रोना आता है। और ये जो नीचे का जमीन देख रहे हो तो बहुत ही मस्त हुआ है। तभी